हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। दिस इज प्रेम पांडे और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम। इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी साइंस से चैप्टर नंबर 1-4 प्लस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ है, सारी एक्टिविटीज करवाई है मैंने, उसमें सब कुछ है। तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो हर वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके सिंपली आप देख सकते हो। और जैसा हमारा रीति रिवाज है, अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छे से समझाया इस चैप्टर को यार, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है इसमें, बेस्ट एफर्ट दिया है इस चैप्टर को समझाने में, तो आई होप आपको कहीं भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम इंसान ना बहुत तरीके के मटेरियल्स यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए। Some of them are found in nature. अब इनमें से कुछ पदार्थ तो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट, लेकिन कुछ हम इंसान खुद बनाते हैं जो कि इंसान के प्रयासों से बनाया गया है। अब ये एक्टिविटी 5.1 में आपको क्या करना है, उन चीजों का नाम लिखना है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जो प्रकृति से मिलते हैं वो नेचुरल वाले कॉलम में लिख दो। जैसे आप नेचुरल वाले कॉलम में क्या लिखोगे, हमें कौन सी चीज नेचुरली मिलती है, वाटर मिलती है, हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, मिट्टी मिलती है, हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, सनलाइट मिलती है, सनलाइट के तो अब बहुत सारे यूजेस हो गए हैं, हमारा सोलर पैनल उसी पे चलता है, हमारा सोलर कुकर उसी पे चलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आप लिख सकते हो सनलाइट, वाटर, एयर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है। नाउ मैन मेड, अब हमें ऐसे सामान लिखने हैं जो इंसानों ने बनाए हैं और हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमारा मोबाइल फोन हमारा मैन मेड है, कंप्यूटर हमारा मैन मेड है, हम जिस ईयरफोन से सुन रहे हैं हमारा ईयरफोन भी मैन मेड है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो केवल वही लिखना। नाउ डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वॉटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या ये जो ऊपर लिस्ट है इसमें तुमने मिट्टी, हवा, पानी, इन सब चीजों को नोट डाउन किया है कि नहीं किया? हाँ, हमने किया है। नेचुरल वाले में, जो नेचुरल वाला कॉलम है, उसमें हमने कहा था ना सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब है। तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, चूंकि ये सारी चीजें सनलाइट, मिट्टी, हवा, पानी, सब हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिफिनेशन आपको मिल गई है, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सिंपली दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी, अब यहां पे बूझो है, ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या हम अपने सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम अनलिमिटेड यूज करते हैं, क्या कभी खत्म नहीं होंगे ये? तो हम इसका आंसर करेंगे। नाउ कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या हवा, पानी और मिट्टी इंसान के एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब इंसान की छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा या इंसान के यूजेस के द्वारा, क्या हवा, पानी और मिट्टी खत्म हो जाएगा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर, तुमने पानी के बारे में भी पढ़ा है क्लास 7th में। क्या पानी एक लिमिटलेस रिसोर्स है? क्या पानी कभी खत्म नहीं होगा? चलिए इसका आंसर हम ढूंढते हैं नीचे। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब हम अगर इस आधार पे देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, मतलब क्या नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या वो खत्म नहीं होंगे, अगर हम इस आधार पर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला, इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज,
inexhaustible, मतलब जो खत्म ना हो, जो ह्यूमन के यूज करने के बाद भी खत्म ना हो, उन्हें हम inexhaustible natural resources कहते हैं। डिफिनेशन लिखी गई है कि these resources are present in unlimited quantity, ऐसे resources जो हमारे नेचर में unlimited quantity में है, जैसे sunlight। क्या sunlight यूज करने से खत्म हो जाएगा? No। क्या हवा खत्म यूज करने से खत्म हो जाएगा? No। क्या मिट्टी यूज करने से खत्म हो जाएगा? No। तो these are called inexhaustible natural resources। आप सीधे लिख सकते हो कि such resources which are present in unlimited quantity in nature are called inexhaustible natural resources। दूसरा है हमारा exhaustible natural resources, मतलब ऐसे natural resources जो समय के साथ, जो प्रयोग के साथ, अगर हम बहुत ज़्यादा उन चीजों का प्रयोग करें तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। The amount of these resources in nature is limited। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि ऐसे exhaustible natural resources का जो quantity है, जो amount है, वो हमारे nature में बहुत कम है, limited है। They can be exhausted by human activities, और ये धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे example के तौर पर हम देख लें, forest, हमारे जंगल, अगर हम पेड़ काटते गए तो कुछ एक ऐसा दिन आएगा कि पेड़ ही नहीं बचेगा हमारे धरती पर। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे जानवर हैं, फॉर एग्जांपल कई जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, अब वो देखे नहीं जाते हैं, डायनासोर हमने देखे नहीं अपने जीवन में, और भी बहुत सारे ऐसी पुरानी पुरानी जानवर हैं जिनको अब देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो शेर ही पिंजड़े में रखा जाने लगा है, क्या तुम्हें ऐसे आमतौर पर कुत्तों की तरह शेर मिल जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। मिनरल्स, कोल, कोयला भी एग्जॉस्टिबल है, समय के साथ खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल जो हम यूज करते हैं अपने गाड़ियों में, वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? कोल का गैस, ये नेचुरल है। नेचुरल गैस का जहां तक ज्यादातर यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तरीके से होता है, ईंधन के तरीके से होता है, हमारे यहाँ गोबर गैस बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहलाती हैं। चलिए यहां पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.2, ध्यान से पढ़िएगा, इस एक्टिविटी में है क्या, बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये एक्टिविटी। इसमें मैं कुछ पेन के तरीके से कुछ ड्राइंग बना के आपको समझाऊंगा इस एक्टिविटी में कि करना क्या है, और हमें इससे मिलेगा कि ये बहुत लंबा सा ये हमारी एक्टिविटी है, उसको मैं ध्यान से तुम्हें फिगर्स से बताता हूं, देखते चलो मेरे साथ। चलो यहां पर इस पूरे एक्टिविटी में क्या कहा गया है, शुरुआत में पढ़ लेते हैं। टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ क्या लेने हैं, डब्बे लेने हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज, मतलब आपको करने क्या है, मान लो आप तीन डब्बे ले लो, तीन डब्बे ले लिए भाई, और इन तीन डब्बों में खूब अच्छी अच्छी खाने वाली चीज, जैसे हमारी चॉकलेट हो गया, चने हो गए, पीनट्स हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, इन सारी के अंदर, इन सारे कंटेनर्स के अंदर भर दो। अब क्या करो, तुम 7-7 स्टूडेंट्स का तीन ग्रुप भी बना लो। अब ये चॉकलेट्स वॉकलेट्स खाने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो तुमने तीन ग्रुप बना लिया। अब इन तीनों ग्रुप में भी हमें तीन सब ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब इन, जैसे ये पहला वाला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये तीसरा ग्रुप हो गया। इन तीनों ग्रुप में से सात बच्चे हैं, सातों बच्चों को तीन अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड करो। पहले वाले सब ग्रुप में एक स्टूडेंट होना चाहिए, दूसरे वाले सब ग्रुप में दो स्टूडेंट होना चाहिए, और तीसरे वाले में तीन स्टूडेंट। ऐसे ही सब में आपको करने हैं, आपको एक दो और चार, सॉरी तीन नहीं, चार, चार के सब ग्रुप में डिवाइड करने हैं। फिर से एक दो और चार, समझ में आया इतना? आपको तीन डब्बे लेने हैं, उसमें चॉकलेट भरना है, उसमें पीनट्स भरना है, ये सारी चीजें भर के तीन ग्रुप बनाना है। टोटल आपकी तीन ग्रुप होने चाहिए, और तीन ग्रुप में 21 स्टूडेंट्स होने चाहिए, 7-7 का ग्रुप होना चाहिए। अब इन 7 ग्रुप में से भी आपको एक ग्रुप एक बच्चे का, दूसरा ग्रुप दो बच्चे का, तीसरा ग्रुप चार बच्चे का, हर तीनों ग्रुप में आपको यही करना है। अब करना क्या है, एक और स्टूडेंट को लो, वो तुम्हारे साथ ये चॉकलेट के डब्बे यहां पर देगा। अब चॉकलेट के डब्बे जब देगा, सबसे पहले इसको देगा, दूसरा इसको देगा, फिर इसको देगा। अब जब पहला डब्बा इसके पास ले जाया गया तो इसने पूरा खा लिया, मतलब उसमें कुछ छोड़ा, कुछ खाया, जितना उसका मन था वो खा लिया। दूसरा वाला, उसने भी कुछ खाया। अब तीसरे वाले के पास ले जाओ, क्या कुछ खाने के लिए बचेगा? अगर किसी ने छोड़ा होगा,
या वन फर्स्ट वाले ने अगर ये सोचा होगा कि भाई इसको भी खाना है इसलिए हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है। अगर पहले वाले ने ये सोचा होगा कि मैं थोड़ा ही खाऊं, दो वाले को भी मिल जाए, फोर वाले को भी मिल जाए, तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है भाई कि अगर जो हमारी पीढ़ी है, जो हम अब स्टूडेंट्स हैं, अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेस को बचाया, जैसे अगर अभी हमने वाटर को बचाया तो वाटर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगी, फिर अगर इसने बचाया तो हमारे इस जनरेशन को भी मिलेगी, नहीं तो अगर चॉकलेट्स की तरह, पीनट्स की तरह हम इसे खा जाना चाहें तो बाकी की जो जनरेशंस हैं वो बिना नेचुरल रिसोर्सेस के बिताएंगी। तो यही हमारे एक्टिविटी में था जो हमने आपको बता दिया। सो आई थिंक आपको एक्टिविटी आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, और यहाँ जहाँ तक हमने अंडरलाइन किया है समथिंग फॉर देम तक, यहाँ तक केवल इतना ही बताया गया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने कहा था ना, मान लो उन चॉकलेट्स टॉफीज की तरह अगर वहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज रख देते जो कि समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं, तब सेम ऐसे ही हमारा पैटर्न चलता है। मतलब कि अगर पहले वाले जिसमें एक स्टूडेंट था, अगर उसने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो अगले जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज कम मिलेंगी, जैसे चॉकलेट की तरह, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर बताया गया था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल, मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है पेट्रोल, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है डीजल, और भी हमारा हो गया जो मिट्टी का तेल आता है ये भी हमारा पेट्रोलियम का ही है, बिट्यूमिन आता है पेट्रोलियम में। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स, ध्यान से सुनना, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स। यहां पर कहा गया है कि चूंकि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो गया, चाहे वो एनिमल हो गया, उसके डेड बॉडी से बनता है ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इसीलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? फॉसिल का मतलब होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फ्यूल मतलब जो ऐसे फ्यूल जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल से मिले उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोल, इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कोल, फिर पेट्रोलियम पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। कोल, कोयला, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, तुमने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। इट इज एज हार्ड एज स्टोन, ये पत्थर के जैसा सख्त होता है और काले कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। कोल एक ऐसा ईंधन है, फ्यूल का मतलब ईंधन, ठीक है, जो कि खाना पकाने में यूज़ होता है। हम कोयला जलाते हैं जिससे हमारा तवा गर्म होता है और रोटी बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अर्लियर और पहले के ज़माने में रेलवे इंजन में प्रयोग होता था ये कोयले का, क्योंकि अगर कोयला जलेगा तब हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? भाप, स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और वो जो रेलवे इंजन्स हुआ करते थे पहले के ज़माने में वो भाप से चलते थे, इसलिए हम उसे स्टीम इंजन कहते थे, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनें ऐसे विंड मील की तरह लगी रहती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पर भी कोयले का यूज़ होता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कोयले का प्रयोग बहुत सारे उद्योगों में होता है ईंधन के तौर पर, जैसे स्टील इंडस्ट्री में होता है। अब हमारे यहाँ लोकल, यहाँ पर अगर आप ईंट के भट्ठे देखे होंगे तो भट्ठों में भी कोयले से ईंट को पकाया जाता है, ठीक है। स्टोरी ऑफ कोल, अब स्टोरी ऑफ कोल में हमें बताया जाएगा ये कोल इंसानों को सबसे पहले मिला कहाँ से। अब ये पहली है, बोल रही है कि हमें कोल कहाँ से मिला और ये कोल बना कैसे, हाउ इज इट फॉर्म्ड। आगे उसकी स्टोरी सुनते हैं, कैसे कोल बना, कैसे इंसानों को मिला। अबाउट 300 million years ago, मतलब आज से 3000 साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, धरती पर बहुत घने जंगल थे
इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, कहां पर थे? लो लाइंग मतलब निचले इलाके में थे। आप देख सकते हो यहां पर एक ऐसा इलाका है जहां पर पानी भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेटलैंड। और लो लाइंग वेटलैंड का मतलब होता है जो ढलान पर हो, जहां पर अगर बाढ़ वाड़ आए तो बहुत जल्दी डूब जाए, उसको कहते हैं निचला हिस्सा। ठीक है, तो धरती पर आज से 3000 साल पहले बहुत ही घना जंगल था ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से, जैसे बाढ़ आने की वजह से, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। और बाढ़ आया और धीरे धीरे ये जो पूरे जंगल हैं वो मिट्टी के अंदर दफन हो गए, मतलब ढक गए। इतने नीचे इलाके में थे वहाँ पर, फिर विंड चली तो मिट्टी को लेके आई, मिट्टी धीरे धीरे वो पूरे जंगल को ही मिट्टी के नीचे दाब दिया, मतलब धरती के अंदर कर दिया। ठीक है, एस मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे उस पर मिट्टी इकट्ठा होती गई उन जंगलों के ऊपर, देवर कंप्रेस्ड, वो नीचे दब गए, वो धरती के अंदर चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज इस दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे ही वो धरती के अंदर गए तो वहाँ पर गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग आप समझ सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉइल होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा गर्मी होती है जमीन के अंदर। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे हाई प्रेशर में डेड प्लांट्स, जो वो जंगल के प्लांट्स थे ना, गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, वो हजारों साल बाद धीरे धीरे कोयले में बदल गए। एस कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब जैसे हमें पता है कोल का मतलब होता है, समझ लो 95% उसमें कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में है, तो कार्बन ज़्यादातर कोयले में पाया जाता है। ठीक है, तो और इसको यहाँ पर एक डिफिनीशन दी गई है कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, मतलब ऐसे जैसे पेड़ पौधों का जो डेड प्लांट्स होता है, उनका धीरे धीरे कन्वर्ट होना किसमें, कोल में, इसी को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, समझ गए। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूंकि हम जानते हैं ये जो कोयला है वो डेड प्लांट्स और डेड ट्रीज से मिलके बना हुआ है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, और इसी के लिए कोल को भी हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मैंने बताया था ना, जस्ट बगल में देखो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या था, मैंने बताया था ऐसी चीजें, ऐसे फ्यूल्स जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स से बने, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब चूंकि जो हमारा कोयला है वो डेड प्लांट्स और डेड ट्रीज से मिलके बना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अ कोल माइन, अब यहां पर फिगर 5.2 में एक कोयले की खदान दिखाई गई है, आप देख रहे हो कैसे खुदाई हो रही है जमीन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हमें हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कोयले को जलाया जाता है तो क्या होता है, कोल एक गैस प्रोड्यूस करता है, और गैस का क्या नाम है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब कोयले को जलाया जाता है, समझ गए। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो कोयला होता है उसको इंडस्ट्री में ले जाके जब प्रोसेस करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें उससे बनाई जाती हैं, जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कोयले से, कोक हो गया, कोल टार जिसे हम डामर कहते हैं जो रोड बनाने के काम आता है वो भी मिलता है कोयले से, कोल गैस, कोल गैस ईंधन के तौर पे यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर यूज़ होता है ना, वैसे ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। कहाँ होता है मैं बताता हूँ अभी। कोक, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। इट इज़ अ टफ, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, पोरस होता है, पोरस का मतलब क्या होता है, भुरभुरा, जिसके वैसी चीज जिसके बॉडी में पोर्स हो, छोटे छोटे छेद हो, उनको हम पोरस कहते हैं, समझ गए। ये जो कोक होता है वो टफ, सख्त होता है, पोरस होता है और काले कलर का होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कोक लगभग मान के चलिए कार्बन का एकदम शुद्ध रूप है। अभी इससे शुद्ध कार्बन नहीं पाया जाता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, स्टील को बनाने में यूज होता है, और कई ऐसे भी मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में, जैसे आयरन ओर हो गया। आयरन ओर मतलब क्या होता है, हमारे लोहे का
इम्प्योर फॉर्म होता है, उसी से लोहा निकलता है। तो लोहे को निकालने के लिए भी कोक का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन की ज़रूरत पड़ती है और कोक जो है हमारा कार्बन का लगभग लगभग शुद्ध रूप है। कोल, टार, डामर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये काले कलर का होता है और बहुत ही गाढ़ा लिक्विड की जैसे होता है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब जिसकी जो ये होती है खुशबू कह लो, बदबू कह लो, बहुत बुरी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंसेज। जो कोल टार होता है वो लगभग लगभग 200 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज इट स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कोल टार से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो क्या यूज़ होता है, वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। क्या क्या बनाने में, जैसे सिंथेटिक डाइस, डाई जो हम बालों में लगाते हैं उसको भी बनाने में कोल टार का यूज़ होता है। ड्रग्स, कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम कोल टार का यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव, पटाखे बनाने में। परफ्यूम, जो हम परफ्यूम लगाते हैं ना, महकते हैं, वो भी कोल टार से बनता है। कई सारी प्लास्टिक्स हो गई जो कोल टार से बनता है। पेंट, हमारे जो प्लास्टिक पेंट आते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल, मतलब जो फोटो, ये जो कैमरा वगैरह से रिलेटेड जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो भी हमारे इसी कोल टार से मिलके बनती हैं। रूफिंग मटेरियल्स, छत बनाने की जो सामग्री होती है उसमें भी कोल टार का यूज़ होता है। इंटरेस्टिंगली और सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है, जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, ये छोटे छोटे सफ़ेद कलर के गोले होते हैं, आपने देखा होगा आपके स्कूल के टॉयलेट्स में लगे होते हैं, वहाँ पर रखे गए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट से क्या कर सके, लड़ाई कर सके। तो जो नैप्थलीन बॉल होते हैं, जो कि कीट पतंगों और छोटे छोटे कीड़ों को मारने के लिए यूज़ होता है, वो भी कोल टार से मिलके बना हुआ है। आपको पता था? नहीं ना, आगे देखते हैं। दीज डेज बिट्यूमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड्स। हम जानते हैं कि हमारे अब तक कोल टार का यूज़ होता आया है रोड को बनाने में, डामर का यूज़ आता आया है रोड को बनाने में, लेकिन अब डामर का यूज़ नहीं होता रोड को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब बिट्यूमिन आ गया है। बिट्यूमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्यों डामर के जगह बिट्यूमिन लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि बिट्यूमिन की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो हमारे सड़कों की गिट्टियां होती हैं ना, उनको जो पकड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा हमारे टायर्स अगर बहुत ज़्यादा घिस जाते थे तो आग लग जाती थी, अगर डामर के रोड रहते थे, कोल टार के रोड रहते थे। लेकिन बिट्यूमिन में क्या होता है, इतना वो नहीं होता, इतना वो रिएक्टिव नहीं होता कि तुरंत आग लग जाए। ठीक है, तो इन सारे फ़ायदों को देखते हुए जो हमारा रोड है अब बिट्यूमिन से बनने लगा है। तीसरा, कोल गैस, कोयले से पाए जाने वाली आखिरी जो सामग्री है वो है कोयले का गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। हमने बताया था ना, कोक जो है वो कोयले से बनता है। तो जब कोक को निकाला जाता है ना, उसी प्रोसेस में एक गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या है। कोल वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। हाँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही गई है। कोयला जो था ना, वो सड़कों पे जो लाइटिंग लगी रहती है ना, उसमें यूज़ होते था कोयले का जो गैस था। कहाँ पर पहली बार यूज़ हुआ था? लंदन में। कौन सी ईयर में? 1810 में। दूसरी बार न्यूयॉर्क में यूज़ हुआ, और वो कौन से ईयर में? 1820 में। अब इन दिनों कोल गैस का यूज़ स्ट्रीट लाइटिंग में नहीं होता, बल्कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। समझ गए? एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये जो कोल गैस है, इसका यूज़ अगल बगल जहाँ पर ये कोल गैस बनता है, जहाँ पर ये कोक को निकाल के कोल गैस बनाते हैं, वहाँ के अगल बगल जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो कोल गैस से ही चलती हैं। तो भाई यहाँ तक हमने पढ़ लिया, और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हम उसे सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। देखते रहिए इस चैनल को यार, लाइक करो, तुम्हारे लाइक के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।